भी YouTube का चैनल चलाना चाहते हो और आप लोगों को लगता है कि कंटेंट क्या बनाए और कैसे बनाए कि वेरीफाई हो जाए और इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, मैं वो सब बता देता हूँ। हेलो नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी आज की वीडियो में। आप लोगों को पता ही होगा काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसका एक रीजन ये है कि मेरे पास जो मेरा लैपटॉप था एक्चुअली जिसमें मैं एडिटिंग करता था उसमें काफी दिक्कतें हो गई थी, तो उसको ठीक कराया है तो उसमें टाइम लग गया है काफी ज्यादा और उसमें 2 हफ्ते पूरे लग चुके हैं। लैपटॉप को बार बार नेहरू प्लेस लेके जाना, वहीं पे मतलब एक्चुअली क्या कि जो मार्केट है ना वो मार्केट रिपेयर मार्केट एंड जो दिल्ली का आईटी मार्केट जो कहते हैं जहाँ पे हर सारी चीजें मिलती हैं वो मिलती है नेहरू प्लेस में, एज यू नो आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो नेहरू प्लेस में लेके गया तो लैपटॉप को ठीक कराया वहां से, देन उसके बाद अब रिकॉर्ड कर पा रहा बिकॉज अब अगर मैं कर भी लेता तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, तो इसीलिए वीडियोस डिले हो रही है। बाकी आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया इसके लिए, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरा चैनल पे जो 500 सब्सक्राइबर के बाद में और जो 3000 घंटे चाहिए होते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए वो कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा चैनल जो है वो इस यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जा चुका है, वो वेरीफाई हो चुका है। तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो को प्यार दिया और देखा उसको, उसके लिए भी आप लोगों का थैंक यू। और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुका है, मेरा चैनल और सब कुछ वेरीफाई हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को सुपर भेज सकते हो, वो भी एक्टिवेट हो चुका है इस वीडियो पे। और अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी यूट्यूब का चैनल चलाना चाहते हो और आप लोगों को लगता है कि कंटेंट क्या बनाए और कैसे बनाए कि वेरीफाई हो जाए और इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, मैं वो सब बता देता हूँ। तो जनरली होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो थी जुपिटर की जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, तो फर्स्ट टाइम लेने का मतलब मेरे को जुपिटर का ये रहा कि उसको ना काफी लोग सर्च कर रहे थे जुपिटर के बारे में, क्योंकि टीवीएस ने नई चीज लॉन्च करी है जो कि एक डिजिटल मीटर के साथ में आती है, कुछ नए अपग्रेडेशन के साथ में आते हैं, लोग काफी सर्च कर रहे थे। तो यूट्यूब ने वही चीज मैंने जब वीडियो को डाला, मेरे को भी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मेरी इस वीडियो पे कुछ व्यूज आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू बोलूंगा टीवीएस का और जो शोरूम वाले थे उन लोगों का कि उन लोगों ने मुझे वो जुपिटर दी। और उसके बाद में जब मैंने वीडियो को बनाया तो मतलब उस टाइम काफी लोग सर्च कर रहे थे जो न्यू लेटेस्ट जुपिटर आ रहे थे उसके बारे में कि फर्स्ट व्हीकल मिला दिल्ली में, तो मैंने उसका पूरा वीडियो बनाकर डाला तो उस पर अच्छी खासी रीच मिली मेरे को। और मैंने उसके बारे में बताया भी तो उसका एल्गोरिदम बता दो कैसे है कि जैसे हम लोग काफी कुछ सर्च करते हैं इसमें, तो जैसे नेट पे हम लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, तो यूट्यूब वो देखता है कि लोग कितनी बार किस चीज को सर्च कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना सजेशंस देता है। लाइक मैंने जैसे जुपिटर का डाला, जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट वाला उसकी वीडियो जो मैंने डाली, तो उसको काफी लोग सर्च कर रहे थे कि कैसा दिखता है, कैसा उसका कंसोल है, कैसे वो वर्क कर रहा है, तो उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मेरी जो वीडियो थी ना वो उस लिस्ट में आई। उसके बाद में लोगों का जो इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग YouTube ने काफी सजेशंस भी दिए लोगों को, और उसके बाद YouTube ने काफी एल्गोरिदम को लगाकर और काफी लोगों को सजेस्ट भी किया और काफी लोगों को दिखाया कि जब भी कुछ जुपिटर 125 सर्च कर रहा था तो वो मतलब कि उसके एल्गोरिदम में आया तो वो दिखाई दिया। तो एल्गोरिदम का मतलब यही है कि आप भी कोई कंटेंट देखते हो, लाइक अगर किसी भी मूवी का भी आप सर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम आता है कि ये मतलब कि ये वाली मूवी इधर ऐसे पड़ी हुई है या कुछ भी डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब की एल्गोरिदम वर्क करता है। मतलब अगर वो लगता है कि यूट्यूब का कोई भी जो एम्प्लॉई है वो ऐसा कुछ कर सकता नहीं कर सकता, तो ये सारा चलता है डेटा साइंस के अकॉर्डिंग। डेटा साइंस जो होता है उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती हैं कि और जो भी आप देखते हो कि अगर आपने कोई वीडियो सर्च कर ली, अगर किसी के बारे में आप देख रहे हो तो उसी के सजेशंस आती, तो ये डेटा साइंस का पार्ट हो जाता है। इसके बारे में कभी और बताऊंगा आपको, मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वो अलग चीज है। तो एल्गोरिथम में मेरी वीडियो आ गई, उसके बाद में मैंने उसी के रिलेटेड, क्योंकि अगर एक वीडियो आई तो उसके बाद में लोगों ने ये भी तो सर्च करना है ना कि कंपैरिजन क्या पिछले से इसका क्या कंपैरिजन है, उसके बाद में ये भी सर्च करना है कि क्या माइलेज दे रही है, उसके बाद ये भी सर्च करना है कि बिल्ड क्वालिटी में क्या फर्क है, उसके बाद ये भी सर्च करना है कि फीचर क्या है, कुछ रिफाइनमेंट है कि नहीं, ये क्या क्या चेंजेस है, तो इन सब की वीडियो बनाकर डाली। जब मैंने ये चीज डाली ना तो यूट्यूब ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट किया, क्योंकि अगर मैं भी अगर कोई भी चीज सर्च करता हूँ इंटरनेट पे यूट्यूब पे, लाइक कोई भी वीडियो मैं सर्च करता हूँ किसी मोबाइल के बारे में ना, तो अगर मेरे पे मोबाइल की मैंने S24 Ultra आप लोगों को पता आ चुका है जो कि काफी पावरफुल फोन है, तो मैंने अगर उसके बारे में अगर सर्च करता हूँ ना तो यूट्यूब क्या करेगा ना, उससे ही S24 Ultra से रिलेटेड जितनी वीडियो ने मेरे को सजेशन में देखा और उसमें मैं फीचर्स चेक करूंगा तो फीचर्स की अलग वीडियोस देखा, उसके बाद बिल्ड क्वालिटी अगर किसी ने बनाया होगा लाइक मैं लिखूंगा कि बिल्ड क्वालिटी या मटेरियल कौन सा यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ना एल्गोरिदम वर्क करता है, आप जो भी डालते हैं ना उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम आता है, तो ऐसे ही वर्क किया।
और उसके बाद में मेरी जो वीडियोस थी वो एल्गोरिदम में आई, उसके बाद काफी लोगों को सजेशन में भी गई, काफी लोगों ने उसको देखा भी और काफी आप लोगों के कमेंट्स भी आए जिनका मैंने रिप्लाई किया। तो ऐसे इस तरीके से मैंने इस अपनी वीडियो को मतलब जो रीच मिली उसका मैंने फायदा उठाया, उसका यूटिलाइज किया। तो उसके बाद में अब जाकर ये यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम जो होता है उसमें जाके एनरोल हुआ हूँ मैं। अब एड्स के लिए आप एज यू नो आप लोगों को पता ही होगा इस तरीके से होता है। तो मेरे पे एड्स का सिस्टम नहीं है, मेरे पे सुपर मेंबरशिप है और मैं स्टोर होता है ना जो भी मेरे मर्चेंडाइज है मैं वो सेल कर सकता हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पे, तो वो सब होता है। और अगर आप लोग भी अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हो, तो टॉपिक ऐसा चूज करो जो कि थोड़ा यूनिक हो। यूनिक इन द सेंस कि आपको देखो कुछ तो स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड करनी रहेंगी, कुछ ऐसी वीडियोस डालनी पड़ेंगी जो भी आपका इंटरेस्ट है। अगर आप कुछ भी डालना चाहते हो, लाइक अगर आप कॉमेडी बनाना चाहते हो ना, तो वो बना के आप डालो उसे और उसको कंटिन्यूसली डालो। बिकॉज ऑफ कि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग के आप दो चार वीडियो डाल के सोचोगे कि एकदम से बूम आ जाए, तो वो कभी नहीं आएगा क्योंकि एल्गोरिथम वर्क करता है। जिस चैनल पे जितने वीडियोज आएंगे उसके बाद आप मेटा टैग्स में कितने टैग्स डाल रहे हो, उसके बाद आप टाइटल डाल रहे हो तो टाइटल में कितना मतलब हैशटैग में अपना टाइटल डालते हो कि नहीं डालते हो, चैनल का नेम या फिर जो भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई हैशटैग डालते हो नहीं डालते हो, ये काफी चीजें वर्क करती है। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या मेंशन कर रहे हो, कैसे कैसे मेंशन कर रहे हो, ये काफी चीजें मैटर करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ना आप अपने चैनल पे ना प्रोसेस करके कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका चैनल थोड़ा सा रीच मिले, जैसे मेरे को अभी मिला, तो अभी ये थोड़ी कि मैं रुक जाऊंगा, मैं और अपनी मेहनत करूंगा और वीडियोस को इम्प्रूव करूंगा और अपने कंटेंट को लेके आऊंगा, टेक्निकल कंटेंट लेके आऊंगा और लोगों को बताऊंगा इस चीज के बारे में जो भी। तो उस आप ये कर सकते हो। और आपको अगर अपने चैनल पे कुछ भी ऐसा है कि आपको चैनल स्टार्ट करना है या आपके पास लगता है आपके पास कुछ टैलेंट है, और बस मेन चीज होती है कि ऐसा कुछ एक वीडियो भी अगर आपकी चल जाएगी ना तो रीच आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ कि अगर एक वीडियो पे अच्छा खासा रीच आ जाते हैं ना, तो यूट्यूब जो होता है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, वो खुद ही जितने लोगों ने देखा होता है ना उसके अकॉर्डिंग सबको सजेस्ट करता है, तो उसमें भी रीच आती है। तो अब इस तरीके से अपने चैनल को ग्रोथ दे सकते हो, ग्रो अप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि काफी लोग बोलते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, तो हाँ मेन चीज होता है कि आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्डिंग कैसे करो कैसे नहीं करो वो भी मतलब कि पता रहना चाहिए कि हमें कंटेंट क्या बनाना है, चाहे आप वाइन बना रहे हो या फिर कोई वीडियोस मतलब कि कॉमेडी वीडियो बना रहे हो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, तो उस वीडियो को उस टॉपिक को लो जो टॉपिक की एक्चुअल में नीड है मार्केट में, जो लोग चाहते हैं जिसके बारे में जानना, उस तरीके के टॉपिक को आप उठाओगे ना तो आपका जो चैनल है ना उस पर रीच आएगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ अगर आपको लगता है कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकते हो। बिकॉज ऑफ कि क्या होता है, मगर मैं भी हूँ, मैं भी अगर कोई भी चीज़ परचेज करता हूँ, बाय करता हूँ ना, तो हर चीज़ को पहले ना देखता हूँ यूट्यूब पे इसकी वीडियो नहीं पड़ी है नहीं पड़ी। लाइक अगर कोई फ़ोन भी है लैपटॉप भी है तो उसकी पहले मैं वीडियो देखूंगा कि यूट्यूब पे पड़ी है नहीं पड़ी है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि कितनी वीडियोज़ हैं, उसके बाद मैं तो देखूंगा किसने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस तरीके से ना ये वर्क करेगा एल्गोरिथम, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम पे ऑनलाइन है एज यू नो, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाती हैं। सो इस तरीके से वर्क करता है। और आपका कंटेंट वैल्यू मतलब कंटेंट जो होना चाहिए ना उसमें टैग सही होना चाहिए जो भी आप वीडियो डालते हो, हमेशा चैनल का टैग जरूर डालना जो भी आपसे आपको रैंक कराना है, जो आपका जब नेम रैंक करेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग भी सजेशंस आती है। लाइक जब आप देखते हो कि अगर हम कोई नाम टाइप करते हैं तो जो हमने सर्च किया होता है उसके अलावा भी और भी सजेशन देता है, तो वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कोई पूरी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको बताऊँ पूरा कैसे क्या वर्क करता है, तो उसके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें शेयर करें, और अगर आप चाहते हो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए तो आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो सुपर दे के, तो आप मेरे को सुपर दे सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।